हे स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट नंबर्स भी अमीर और गरीब हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। सो आइए इस टाइप से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ और इसके लिए लेते हैं एक एग्जांपल। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी आर हैविंग अ नंबर विच इज व्हाट 14। आपको इसके सिंपली डिविजर्स फाइंड करने हैं, एंड ध्यान रखें प्रॉपर डिविजर्स फाइंड करने हैं। तो 14 के प्रॉपर डिविजर्स क्या होंगे? 1, 2, 7। इन सभी को ऐड करिए, यू गेट द सम एज व्हाट? 10। अब आप अगर ध्यान से यहां पर देख पा रहे हैं, सो जो भी आपके पास नंबर है इट इज लार्जर देन द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिविजर्स। डिविजर्स का सम 10, नंबर 14। सो इस केस में हम ये बोल सकते हैं दैट दिस नंबर इज व्हाट? डिफिशियंट नंबर, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर आप सेकंड टाइप को भी समझेंगे। सो डिफिशियंट नंबर क्लियर है, नाउ वी गो फॉर द सेकंड वन वेयर वी टॉक अबाउट अबंडेंट नंबर। सो व्हाट्स दैट? ये कोई भी एक ऐसा नंबर है जो कि स्मॉलर होगा अपने प्रॉपर डिविजर्स के सम के, जैसे कि 12 के प्रॉपर डिविजर्स 1, 2, 3, 4, 6। डाउट हो तो ये ध्यान रखना है दैट कभी भी आप प्रॉपर डिविजर्स में खुद उस नंबर को नहीं इंक्लूड करते। सो इनका सम 16 है और नंबर जो एक्चुअल था वो इसके सम से स्मॉलर है, सो दैट्स व्हाई इन दिस केस वी कॉल इट अ अबंडेंट नंबर, राइट? सो आप ऐसे ही कुछ और नंबर सोच सकते हैं, ऑब्वियसली यू कैन। So tell me in the comment section what are the numbers which are abundant and what are the numbers which are deficient. See you all in the next video.